गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुछ आपको वाइट टीम स्टूडियो में कुछ सेटिंग बताने जा रही हूँ, जिससे आपके सब्सक्राइबर चलते चलते गैन होते होते एकदम रुक जाते हैं एंड व्यूज़ भी थोड़ा चलते चलते एकदम रुक जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? जो अभी यूट्यूब की न्यू अपडेट आई है, एक सेटिंग आई हुई है, आप यहाँ देख सकते हो। उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको सेलेक्ट क्या करना है। गाइस, अगर आप जैसे कि आपने इसमें गलत सेलेक्ट कर दिया, तो हो सकता है आपने इस सेटिंग को वीडियो अपलोड करते हुए गलत चुन लिया, तो आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक नहीं पहुँचेगी और प्लस यूट्यूब आपकी वीडियो को आगे लोगों तक नहीं भेजेगा। और क्या रीज़न है? सिर्फ एक सेटिंग जो आपने गलत सेटिंग की है, उसकी वजह से आपकी वीडियो को यूट्यूब आगे नहीं भेजेगा। इसलिए इस सेटिंग के बारे में आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किस लिए सेटिंग है और किस रीज़न से ये सेटिंग अपडेट की गई हुई है। अपडेट इसलिए की गई है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं, अभी भी हम जब अपना YouTube में वीडियो डालते हैं, तो सबसे पहले हम YouTube ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, और उसके बाद हम अपने वीडियो को प्लस में क्लिक करते हैं। गाइस, आप ऊपर देखिएगा, प्लस में क्लिक किया, जैसे मैं एक शॉर्ट अपलोड करने वाली हूँ फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए। फिर हमने ऐड पे क्लिक किया, उसके बाद हमने किसी भी एक छोटी सी वीडियो या छोटी सी क्लिप को ले लिया। ओके, जैसे हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस क्लिप को ले लिया और इसको प्रोसेस ये अपलोड हो गया। फिर मुझे करना क्या है? उसके बाद आया जैसे कि आप इसको पब्लिश ना करके अनलिस्टेड कर दीजिए। सबसे पहले आपको इसको अनलिस्टेड करना है। फिर जैसे कभी ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑडियंस, तो आप क्या क्लिक करते हो? मतलब सेलेक्ट ऑडियंस में क्या क्लिक करते हो? देखिए, जीमेल आईडी है वो आपके नाम से है, डन। उसके बाद जो एज पड़ी है वो भी आपके नाम से है। जो YouTube चैनल का नेम है, वो हो सकता है आपके बच्चे के नेम से हो, बट हो सकता है कि आपके नेम से भी हो। जैसे कभी कभी होता है कि कुछ पेरेंट्स अपने किड्स के ऊपर YouTube चैनल बना देते हैं उनके नेम से, तो लोग क्या करते हैं कि अरे ये तो किड्स का चैनल है, तो क्या करना है, मेड फॉर किड्स कर दिया। बट उससे क्या होता है, वो रीज़न क्या है, आपके व्यूज़ कम आने लगते हैं। जैसे आप मेड फॉर किड्स सेलेक्ट कर लोगे, तो उससे आपके जो व्यूज़ हैं वो बहुत कम आने लगेंगे। और जैसे अगर आपके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, जैसे YouTube अगर मेड फॉर किड्स से जब ऑप्शन सेलेक्ट देखता है, तो वो सिर्फ ओनली किड्स के पास आपके वीडियो भेजता है। ओके, जैसे किड्स के पास आपके वीडियो भेजेगा, तो आपके व्यूज़ कितने आएंगे? बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि किड्स कितने देखेंगे। हाँ, आपके वीडियो में कुछ ऐसा कंटेंट हो जो किड्स को अट्रैक्टिव कर ले, या उसको देखने के लिए बहुत, मतलब उसको अच्छा लगे, या कुछ भी जैसे कह सकते हैं। बट अगर नहीं, ऐसे कंटेंट आपका अच्छा नहीं है, तो आप क्या मतलब क्या सेलेक्ट करोगे? करना तो आपको मेड फॉर किड्स ही पड़ेगा, बट आपकी थिंकिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चैनल आपकी एज के अकॉर्डिंग बनाए, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की और यूट्यूब चैनल बनती नहीं है। तो गाइस, हमें क्या करना है, मेड फॉर किड्स नहीं सेलेक्ट करना है, हमें नॉट मेड फॉर किड्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। इससे जो होता है, मैंने सेलेक्ट करके आपको दिखा दिया, इससे जो यूट्यूब होता है, इंप्रेशन बहुत ज़्यादा भेजता है आपके, और इससे सब्सक्राइबर आप बहुत सारे जल्दी गेन कर सकते हो, और प्लस चैनल जो व्यूज़ होते हैं वो भी अच्छे आने लगते हैं आपके। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उसके बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट में कुछ यूनिक लिख देना है। जैसे आपने जिस पर्पज से आपने वीडियो को बनाया है, तो यहाँ मैं लिख दूँगी किड्स लिख दो, या आप कुछ भी लिख दो, फुल मस्ती लिख देती हूँ, फ़नी वीडियो। ओके, डन, फ़नी वीडियो लिख दिया, हैशटैग लगा दिया। उसके बाद हमें करना क्या है, अब आया ऑप्शन रिलेटेड वीडियो का। ओके, रिलेटेड वीडियो में क्या करना है आपको, जैसे कि कोई आपका बहुत वीडियो चल गया है, गाइस जैसे बहुत कोई वीडियो आपका चल गया है, वो आप इसमें जैसे मैंने वन सेकंड फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा कोई भी वीडियो चल गया है, तो मैंने इसको क्लिक करके इसमें अपलोड कर दिया। ओके, जैसे बेचारी औरत के साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक, डन। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ऑप्शन आता है यस या नो का, बट किसी को इसकी बारे में पता नहीं होता है कि हमें इसमें यस करना है कि नो करना है। बट जो ये है ना, इसका जो सही सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है आपकी वीडियो के लिए। अगर आप यस करते हो तो किस लिए यस करोगे, या अगर आप नो करते हो तो किस लिए करोगे? इसके मेन मोटिव है, इसके बारे में आपको समझना और जानना है कि हाँ, किस लिए ये ऑप्शन होता है। इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ कि किस तरह आपको यस या नो सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आप AI अभी चला हुआ है, जैसे कि वीडियोस आप चेंज कर सकते हो, या कुछ भी AI बहुत अभी फेमस हुआ है, तो क्या करते हैं, जैसे कि आपने किसी कोई क्लिप बनाई, ओके, जैसे आपने कोई क्लिप बनाई, तो आपने जैसे अपना फेस, आपका रियल फेस है, तो आप इसमें नो सेलेक्ट करोगे। और अगर आपको लगता है आपने जैसे किसी ऐप के थ्रू अपने फेस को चेंज किया है, या किसी रोबोट में कन्वर्ट किया है, या किसी डॉल में, या किसी किसी चीज़ में भी, उसको AI कहते हैं,
तो अगर आपने ऐसा भी कुछ किया हुआ है तो आप इसमें यस सेलेक्ट करोगे। यस सेलेक्ट करने के बाद इससे ये आपको पता, जैसे ये सर्च इंजन में जब आएगा, जब यूट्यूब के पास इसके रिव्यूज़ पहुंचेंगे या आपका वीडियो ये बहुत ज़्यादा चल जाएगा या बहुत ज़्यादा, जैसे कभी मोनेटाइज की बारी आती है तो उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जब सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर आते हैं, तो यूट्यूब सिर्फ उनको सबसे पहले चेक करता है कि हाँ इसका कंटेंट कैसा है, इसने ऑप्शन सही सेलेक्ट किए हुए हैं, इसने कुछ कुछ गलत ऐसी चीज़ें तो नहीं डाली हैं जो आपके मतलब आपके लिए ख़राब हो या आपका चैनल मोनेटाइज ना हो। गाइस इसलिए आप इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा कि हाँ आपको क्या, ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब योर कंटेंट, ओके होगा ए आर, जो AI जनरेट करके वीडियोस बन रही हैं, बहुत लोग होते हैं AI ऐप से, जैसे वॉइस को चेंज कर सकते हैं, रोबोट को रोबोट के वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी और वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गाइस जैसे कि सॉरी, तो उसके हाँ जैसे कि आपने कोई वीडियो बनाया है, उसमें आप AI के थ्रू, AI ऐप के थ्रू आप उसमें अपने फेस को चेंज कर सकते हैं या बैकग्राउंड को कुछ कार्टून वगैरह ला सकते हैं, कुछ ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। क्रिएटिव क्रिएटिव बनाने के लिए आप AI ऐप का यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आपने एक थॉट, जैसे थॉट एक रख दिया, जैसे कि हाँ इमेज नहीं होती है, जैसे कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ या हमारे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, AI के थ्रू आप अपने बैकग्राउंड में कुछ चला सकते हो या कुछ लोग खड़े कर सकते हो या कुछ भी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप AI की मदद से किस टाइप का वीडियो आप बनाते हो। बट आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जब भी आप AI के मदद से कुछ भी अगर अपने वीडियो में कोई भी चेंजेस करते हो तो इसके लिए आपको यस सेलेक्ट करना है, ओके। अगर आप यस सेलेक्ट नहीं करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में, तो इसलिए आप इसमें यस सेलेक्ट करोगे। हाँ और अगर आपने AI ऐप की मदद से कुछ भी, अपना फेस भी रियल है, आपका वॉइस भी रियल है एंड बैकग्राउंड भी रियल है और सब कुछ मतलब आप रियल ही है आपका, तो आप नो में सेलेक्ट करोगे, नो सेलेक्ट करोगे, क्योंकि ये जो है ना नो सेलेक्ट अगर आप करोगे तो मतलब ये ऑप्शन इसीलिए होता है कि नो सेलेक्ट करो कि हाँ आपने इसका कोई यूज़ नहीं किया हुआ है AI का, तो गाइस इसका ये यूज़ होता है। तो इसका जो मेन मोटिव है कि कंटेंट को लोग कभी कभी होता है ना कि कंटेंट को बहुत ज़्यादा अजीब सा बना देते हैं, बहुत सारे कार्टून आर्टून ला के रख देते हैं या कुछ भी रख देते हैं, बट ये फीचर अभी न्यू लॉन्च हुआ है और बहुत AI बहुत अच्छा है और ये आपके लिए बहुत परफेक्ट होगा। एंड आप अगर इसका यूज़ भी करना चाहते हो तो अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हो, बट अगर नहीं करना चाहते हो तो वो आप मतलब आप पे डिपेंड करता है कि हाँ कि अगर आपको यूज़ नहीं करना है। तो गाइस इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप वीडियो अपना अपलोड करते हो तो इस ऑप्शन को यस या नो में ज़रूर सेलेक्ट करें, वरना अपना वीडियो, आपका जो आगे व्यूज़ है ना और सब्सक्राइबर हैं, वो एक टाइम के बाद एक रुक जाते हैं, आपके सब्सक्राइबर भी ग्रोथ नहीं करेंगे एंड आपके जो व्यूज़ हैं वो भी बहुत कम आने लगेंगे। तो इसलिए ये प्रोसेस गाइस थोड़ा लोगों को, बहुत लोगों को कमी पता है, बट ये सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड आप अगर यूट्यूबर हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और आगे बढ़ने का। कभी होता है जैसे कि जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो इसको सेलेक्ट करने से मना करते हैं या कुछ भी है, बट आपका खुद दिमाग है, आप अपना दिमाग यूज़ कर सकते हो हर चीज़ में। इसको एक बार रीड करने के बाद ही आप ऑप्शन अपना जब भी वीडियो अपलोड करो ऑलमोस्ट ऊपर से नीचे तक पूरा रीड करो और उसके बाद ही ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने वीडियो को अपलोड करो, और कंटेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए जो लोगों तक पहुंचे एंड उनको पसंद आए। हैशटैग और ये सब डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा पूरा। अगर आप वीडियो अपलोड करने से पहले अनलिस्टेड कर लेते हो तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, इससे आपको चेक करने का टाइम भी मिल जाएगा। बट कैसे कभी कभी होता है ना कि हम लोग जल्दबाजी में पब्लिश कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं अरे ये क्या है, फिर हम लोग उसको अनलिस्टेड करके फिर पब्लिश करते हैं, फिर अनलिस्टेड करके फिर पब्लिश करते हैं, ये आपके लिए बेटर नहीं है। तो इसलिए उसको अनलिस्टेड ही करके उसके बाद पूरा चेक करने के बाद उसको पब्लिश करें, तो ये आपके वीडियो के लिए अच्छा होगा एंड आपके जो व्यूज़ हैं एंड सब्सक्राइबर हैं बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। तो कभी भी आप जैसे कि बड़े यूट्यूबर्स बताते हैं हाँ कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, आप अपना दिमाग लगा के भी ज़रूर सोचिए कि हाँ मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहेगा आप कुएं में कूद जाओ तो नहीं कूदोगे ना, आपका खुद दिमाग है, आप यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए कभी हाँ बात सबकी सुनो, कहते नहीं है सबकी सुनो पर करो अपने मन की, तो यही करना चाहिए, सबकी सुनो बट करो अपने मन की। तो ये मेन मोटिव है, मैं ये चीज़ समझा रही हूँ कि हाँ आपको अगर सब कुछ आप परफेक्ट हो, सब कुछ आप वीडियो अपलोड कर देते हो, ये कर देते हो, वो कर देते हो, बट आपका माइंड है आप उसको यूज़ कर सकते हो कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, रीडिंग रीड करके। अगर आपको जैसे रीड नहीं करना आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप गूगल में सर्च करके उसके हिंदी की इंग्लिश भी निकाल सकते हो एंड इंग्लिश की हिंदी भी निकाल सकते हो, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो गाइस